करा सकता है, ट्रीटमेंट के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अगर ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करता है बाकी यहाँ से यहाँ कटेगी, और उसके जिम्मेवार अगर मुझे कुछ भी हो सकता है वो फिर नार्ड प्रशासन और सी आई डी होगी। कर लो कोई बात नहीं, एडमिट होने के लिए मैं खुद तैयार हूँ, जा रहा हूँ। आ जाओ लेकिन मैं क्या नहीं चाहिए, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन को बुलाओ फिर यहाँ, प्रशासन को बुलाओ, मैं उठने के लिए तैयार हूँ। दे दिया पानी ना होगा, सही हो जाएगा, उन्हें बुला दो। कहाँ हो यहाँ से, तू अभी इसकी जगह तू बैठ जा, दो दिन तू भी खड़े हैं, मैं भी बैठूंगा जी, अगर नहीं हुआ तो मैं भी बैठूंगा। अपनी मर्जी से बैठे हैं, हमने जबरदस्ती नहीं बिठाया किसी को भी, अपनी मर्जी से बैठे हैं सारे। पुलिस और डॉक्टर्स की टीम जो है आपको ले जाने आई है, क्या ऐसा है? मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ, हमारा यहाँ पे बैठने का कोई इरादा नहीं है, भूख हमें भी लगती है, प्यास हमें भी लगती है, खाना हम भी खाना चाहते हैं, पीना हम भी चाहते हैं, हम घर से बेघर नहीं है, हमारा भी घर है, हमारा भी परिवार है, हम उसके बीच में रहना चाहते हैं। लेकिन मैं करनाल प्रशासन से जो आज ये आ गए हैं उठाने के लिए, इनसे ये बात पूछना चाहता हूँ, आज हमारा 31वां दिन है और अनशन का जो है हमारा 6ठा दिन है, और मेरा जो है अन्न जल त्यागने का 5वां दिन है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब मुझे 5 दिन हो गए हैं पानी तक का त्याग किए, मैं 3 बार कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका हूँ, तब कहाँ करनाल प्रशासन था? जब मैंने इतना तक कह दिया कि कोई मुख्यमंत्री का नामुंदा कुछ तो यहाँ पर आके हमें लिखित में आश्वासन दे कि हमारा कुछ ना कुछ तो होएगा, या हमें साफ साफ यही कह दे भी आपका कुछ नहीं होएगा। एक तरफ तो ये कहती है कि गवर्नमेंट हमने जो है कोर्ट के माननीय कोर्ट के आदेश की पालना की है, और 12 तारीख को हमें स्टे मिलती है, उस कोर्ट को कोई माननीय नहीं माना जाता, वो कोर्ट जो है बिका हुआ है, उसको गवर्नमेंट ये मानती है। मैं ये खुद कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ से जूस पी करके अपने 11 साथी और 1259 साथियों की तरफ से इतना बताना चाहता हूँ कि हम अभी अपना धरना स्थल छोड़ करके अपने घर जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी मांग सिर्फ एक ही है कि सरकार का कोई भी मुख्यमंत्री हमारे बीच में आकर के लिखित में आश्वासन दे कि आपको जो है परसों से ही स्कूल में भेज दिया जाएगा, क्योंकि माननीय कोर्ट का आदेश ये नहीं है कि भाई आपको हटा दिया जाएगा। अगर आप कहे तो मैं आपको आदेश की कॉपी भी दिखा सकता हूँ जो जज साहब के ऑर्डर है। तो कोर्ट क्यों ऐसा हमारे साथ, जो सरकार जो है कोर्ट का बहाना लेकर के नहीं आते, जबरन उठाया जाता है, जबरन उठाया जाता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, घोड़े को, मैं एक टीचर हूं तो एक एग्जांपल देके समझाऊंगा कि घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता। एक शिक्षक वो है जिसकी गोद में जो है प्रलय और विनाश और साथ साथ जो है उन्नति एक साथ चलती है, तो इसका जिम्मेवार मैं सिर्फ आज का जो करनाल प्रशासन यहाँ मौजूद है उनको मानता हूँ। मैं 4 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव में जॉब कर चुका हूँ, तो कानूनी की कमजोरियों को भी जानता हूँ और उसकी मजबूतियों को भी जानता हूँ, हर एक बंदे को बाय नेम से भी जानता हूँ, हर एक के ऊपर मैं केस करूंगा। मेरी मौत का जिम्मेवार जो है ये करनाल प्रशासन और सीआईडी है। कल ओएसडी से मिले थे आपके लोग? ओएसडी से मिलने का बहाना भी जो है हमारे सीआईडी महोदय का था, उन्होंने बताया था कि भाई आप लोगों को बुलाया है, और वहाँ जाने के बाद पता लगता है कि भाई कौन हो, आपको किसने बुलाया है, और प्रशासन कहता है कि हमने पहले ही आपकी मांग को चाह दी है, लेकिन वहाँ पर साथी बताते हैं भाई आपको किसी ने नहीं बुलाया, आपका काम हो जाएगा, वही झूठा आश्वासन नहीं चलेगा, हमें सिर्फ पक्का काम चाहिए। आज कोर्ट में आपकी कोर्ट की डेट थी वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, आज एडवोकेट जनरल जो पेपर पढ़ सकते हो आप आज का भी और कल का भी, जिसमें ये लिखा हुआ है 1 महीने से कहाँ है ये सरकार, और 1 महीने से सरकार कहाँ है, एडवोकेट जनरल की खुद की स्टेटमेंट थी कल कि मैं वहाँ पर अपीयर होकर के एफिडेविट जारी करूँगा, लेकिन साथी बता सकते हैं कोर्ट के वहाँ पे मौजूद जो आदमी बता सकते हैं कि कोई भी वहाँ पर नहीं पहुँचा है, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है, कुछ भी 0% रिजल्ट है। करनाल के सेक्टर 12 में स्थित जिला सचिवालय के सामने पिछले 31 दिनों से धरने पर बैठे जेबीडी शिक्षकों और 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे जेबीडी शिक्षकों को जो है आज शाम पुलिस जो है अपनी
डॉक्टर्स की टीम के साथ जो है उनको उठाने पहुंची है, उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जेबीटी शिक्षकों ने जाने से जो है मना कर दिया है, कोई भी जेबीटी शिक्षक हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं है। और पुलिस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रेचर्स के साथ पहुंची हुई है ताकि जो भूख हड़ताल पर जेबीटी शिक्षक बैठे हैं उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए, क्योंकि पिछले 6 दिनों से जेबीटी शिक्षकों की भूख हड़ताल जारी है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। लेकिन जो जेबीटी शिक्षक 6 जेबीटी शिक्षक यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं पिछले 6 दिनों से, उन्होंने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया है। और निश्चित तौर पर हम आपको पहले बता दें कि 3 जेबीटी शिक्षकों की पहले भी जो है भूख हड़ताल पर बैठने के कारण तबीयत बिगड़ चुकी है और वो करनाल के सरकारी हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती है। कमल मेटा, करनाल में की न्यूज़, करनाल।